तो गाइस इनका ये चलिए चलता रहेगा, जीने की जगह पे नमक डाला, दिन भर बाजार में डोए रहते, अभी देखते हैं किसी ने पेपर निकाला। As long as it's with वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 10 बजे, और गाइज आज मेरा लास्ट पेपर है, सो मैंने सोचा व्लॉग अभी से स्टार्ट करते हैं। और आज बहुत ज़्यादा हम लोगों ने काम वगैरह भी करना है, तो वो सारी चीज़ें तो आप कॉलेज पर जाकर देखना, तब तक आपको दिखाती हूँ कि मुझे अभी कॉलेज को क्या सामान लेकर जाना है। मम्मी ये तो पैक कर दिया पापा ने। सो गाइज इसके अंदर ना बहुत सारा सामान है, जो हमारे सीनियर्स हैं उनके लिए हमने गिफ्ट्स वगैरह ले रखे हैं, ये पापा ने पूरा ही पैक कर दिया है। अब इसको कॉलेज लेकर जाना है, पापा भी रेडी हो रहे हैं मेरे को छोड़ने आने के लिए, और मैं तो ऑलरेडी तैयार हो चुकी हूँ, अभी थोड़ी देर बाद निकलेंगे। पापा निकाल रहे हैं स्कूटी, मैं भी तैयार होकर आ गई हूँ, फटाफट चलते हैं कॉलेज। पहले ये सामान डिपार्टमेंट में रखना है, उसके बाद पेपर देना है, फिर बाकी रखना है, फटाफट निकल जाए, देर हो गई है, 10:30 हो गया। हेलो, आज देखो लास्ट पेपर है इनका, फिर भी पता नहीं क्या क्या चल रहा है। शोभा लास्ट पेपर निपट गए। आज हमारी सीट इतनी ज्यादा नीचे लगी है, कहाँ कैंपस है, हम कितना नीचे आ गए। तुम दोनों को क्या हो रखा है रे, ये लोग क्लास में हमेशा 5 मिनट पहले आते हैं, अब देखो पढ़ने बैठ गए ये पागलो। हमें इतना पढ़ोगे, सुनो कल दिन भर बाजार में डोए रहे थे, अभी देखते किसी ने पेपर निकाला, किसी ने मैंने दोनों निकाले हैं। देखो पेपर खत्म हो गया है, और देखो कॉलेज में भी कितनी भी ज्यादा भीड़ हो रही है, हमारे क्लास के बच्चे इनका कभी पूरा ही नहीं होता है यार। चे गाइस अभी हम लोगों का पेपर हो गया है, और अभी हम जा रहे हैं क्लास पे क्योंकि डेकोरेशन करनी है, और उसके बाद भी बहुत सारे काम है। इनको देखो दे, पेपर कैसा हुआ? बहुत बढ़िया, हमें उम्मीद नहीं थी कि पेपर अच्छा जाएगा, बट लेकिन पेपर बहुत सही आया था, पता है मेरा मुंह देख रहे हो, इतना सही आया मेरा कि क्या पता कुछ हुआ नया ब्लॉगर इसको भी So guys, हमारी क्लास की हमारी पूजा रानी भी व्लॉग्स बना रही है, ये भी आ रहा है, इसके भी जाकर व्लॉग सुनना, ये भी कल इतना बड़ा डुबो बना रही थी। बस कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैंने खाया गया उसमें बिल्कुल नमक, कमेंट में बता देना, इससे कहना कि कमेंट में कि इसमें नमक डाला था। यामिनी को देखो तो, यामिनी क्या कर रही है? सो गाइस अभी दूसरे वाले रूम पे हुई है सफाई, बाकी लोग सफाई कर रहे हैं, शोभा और मैं दूसरे रूम पे आए हैं हमारी क्लास के, और अभी हम लोग कर रहे हैं गिफ्ट वगैरह की पैकिंग। देखो मेरी शोभा, हेलो शोभा, हाय तो बोल दो, इसको तो बस मुंह ऐसे रहता है। चलो हम फटाफट से काम करते हैं, रुक मैं लाई हूँ कैची। मम्मा मुझसे बोल रही थी जल्दी आना, जल्दी क्योंकि बाजार जाना है, मेरी शॉपिंग होनी है अभी, तो पक्का जाएगी तभी तो मम्मी कर रही है, तो कब से कर रही है, दूसरों के बारे में क्या कर रही है, क्या कर रही गाइस, शोभा को जलन हो रही है मेरी शॉपिंग से बहुत ज्यादा। तो देखो हम सामान लेके लाए, ये तो सिर्फ नमकीन का पैकेट है, कल कॉलेज ये हमारे सीनियर्स के लिए कवर। Thank you.
ये काम कर रहे हैं ये लोग, देखो इनको जरा क्या क्या कह रही है। ये वाला देख बलून, यही काम करने के लिए रुके थे रे। अभी हमें लग रही है भूख, काम कुछ भी नहीं हुआ है, इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं ना सबके साथ, दिमाग खराब हो गया और इतना हल्ला हो गया ना, एक दो बातें मैं चिल्ला भी चुकी है कि कितना हल्ला करो, कितना शोर मचा रहे हो। अभी हम जा रहे हैं कुछ लेने, खाने पीने का कुछ लेने, भूख लग गई यार। यामी नहीं क्या कुछ खाकर आई थी? नहीं आई थी, मैं बिस्कुट खा कर आई थी, तो थोड़ा बंदे खाकर आई थी, आराम है मेरे। देखते हैं अभी क्या मिलता है हमें। बाकी गौरव लोग कुछ बाजार से सामान लेने था, वो लेने गए हैं। कुछ मिलेगा भी नहीं मिलेगा मुझे तो। गाइस अभी बजने 4 बजने वाले हैं, तब से हमारा कुछ भी काम नहीं हो रहा है। ये अभी भी लिस्ट बनाने पे है, कौन सा गेम पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, ये सारी चीजें। रिफ्रेशमेंट इतनी जल्दी, रिफ्रेशमेंट से तो चिपकता है, पता है ये कल की प्रैक्टिस कर रहे हैं सीनियर्स जज जो मेरा फिर लाइफ छोड़ना भी है। कैसे ऐसे छोड़? नीचे रखने हैं वापस ऐसे ही। हां फिर अरे हां सही कह रही थी, ऐसे रखना, वापस रखना है। हां ये छोटा कह रहा है, यही काम करें। सामान लेकर मोमो लाए, मैंने कौन सी फोटो भेजी? यामिनी मोमो खोलो। क्या क्या बैच कल सुबह लाने पड़ेंगे? बैच क्यों अभी क्यों नहीं मिले? कौन से लाने पड़ेंगे? गौरव ओए गौरव, मेरे को घर छोड़ देगा? छोड़ दे यार भाई, छोड़ देना ना, 50 रुपए लगेगा। तू हमेशा यही बोलता है ऐसी, 50 रुपए शर्मा जी ये क्या हो रहा है? अब चलो हम घर को, चलो चल 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 घर को। सो गाइस बॉयज अंदर अभी भी लगे हैं काम करने पे, मेरे को भी बहुत ज्यादा लेट हो गई है, ये तो मार्केट जाना है, इन लोगों को भी मार्केट जाना है, हम लोग जा रहे हैं। तो वो बाकी लोग कहाँ आ रहे? अभी मम्मी का भी कॉल आ रहा था, मैंने उठाया भी नहीं है, फटाफट घर चलते हैं, बाजार में भी जाना है, शॉपिंग वगैरह करनी है, घर जाकर मिलेंगे आपसे। अरे शोभा की चप्पल ज्यादा ही मेहनत हो गई, ज्यादा ही मेहनत हो गई, देखो अगला से ठीक करवा देंगे। इसके दाद भी टूट गया, मुझे और देर हो गई है, दाद भी तो टूट गया। क्या टूट गया? दाद दिखा दो, दाद दे रहे। रास्ते पर हंसने में ये दो नोक के दोनों ने परेशान किया, खूब हंस हंस कर दिमाग दिए ना इसने हंसते कहीं पे भी। मैं बाजार को आ गई हूँ मम्मा के साथ। पहले मम्मी मुझे ऐसा लग रहा था घर जाऊंगी मैं गुस्से में बैठी हुई, पर गुस्से में नहीं बैठी हुई। मम्मी क्या क्या लेना है फिर आज? तेरा ही है, मेरा कुछ नहीं है। से बोल रही यार तेरा ही है। आज मम्मी मेरी शॉपिंग करने आ रही, पर से पापा की गई थी, आज मेरी करने आ रही। तो देखते हैं मम्मा क्या लेती है। हाँ शादी पे ना, और एक सूट ये वाला देखा था, प्लेन है ये बहुत, पर इसमें मुझे दुपट्टा पसंद आ रही है। मैं इसको पहनने के लिए ना, आप तो सूट पहनती ही नहीं, तो ये भी अच्छा लग रहा है। देखो नहीं कलर अच्छा नहीं लग रहा, दुपट्टा भी आ रही है भाई। बुला ने इतना गजब मार रहा ना, तो मान ले मैंने दिखाओ सी दुपट्टा सुंदर लग रही है। सूट पहनेगी फिर तो मैं, सूट पहनेगी
दीदी से पूछ कलर टू मच येलो देख लो इसके कलर दिखाओ गो इसके कलर सिंगल आते हैं ना साइज आते हैं अच्छा ये इसका दुपट्टा है इस साइड में और कुछ भी है साइज उसका वो तो मीडियम है इसको स्मॉल आता है मेरी शॉपिंग तो हो गई है हमेशा की तरह मैं एक चीज लेने जाती हूँ दो दो चीजों में हाथ पड़ जाते हैं अभी भी मैं एक सूट लेने गई थी तो मैंने दो दो सूट ले लिया वो जो ग्रीन और येलो वाला आपने देखा होगा ना दोनों में जो चुनिया डाली थी वो सूट मुझे प्यारे लग रहे थे सिंपल थे फिर हमने कहा चल ले ले दोनों मजा आ गया अभी हम नीचे पर जा रहे हैं थोड़ा बहुत और सामान लेना है अल्मोड़ा में आज देख रहे हो आप दिवाली का सीजन चल रहा है और लोग आ रखे हैं बाजार पर सामान लेने मम्मी बिजी है मासी का फोन आ रखा है अभी तो मैं घर पहुंच गई हूँ मामा अभी हेमंती के वहीं हैं कल तो पार्टी है सुबह मॉर्निंग पे भी हम लोगों ने जल्दी जाना है ऐसा हो रहा है ना आज सुबह से उठी हुई हूँ अभी भी मैंने खाना नहीं खा रखा है आज मॉर्निंग पे खाकर गई थी उसके बाद से मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया है और सबसे मेरा ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है क्योंकि मैंने अभी दोबारा से बाज़ार को जाना है क्योंकि मैंने जो अभी सूट लिया था तो मैं सोच रही हूँ इनमें से एक जो है ग्रीन वाला जो है वो कल को पहनूंगी तो ना वो साइज़ में थोड़ा इश्यू हो रहा था मेरा साइज़ का तो पहली बार मुझे मिलता नहीं है हमेशा तो एक मीडियम मिल रखा है एक लार्ज मिल रखा है तो जो मीडियम वाला है ना मैंने इनसे कहा था कि इसको फिटिंग कर देना अंकल से तो अंकल करते 7 बजे तक आ जाना लेने तो फिर ग्रीन वाले ले आऊँगी येलो वाला बाद में ले लेंगे फिटिंग कराने दिया वो तो अभी मैं मार्केट से जाकर भी आ गई हूँ मैंने वीडियो नहीं बनाई है फिर मेरा पता मैं इतने फटाफट गई हूँ उसके बाद भी अंकल ने नहीं किया था फिर मैं दोबारा घर आई हूँ और फिर दोबारा गई मैं तो इतने चक्कर गड़े ना आपको क्या बताऊँ मेरा पैरों में हो रही है दर्द अब मुझे ये टेंशन हो रही है कि अभी आज का ब्लॉग भी एडिट नहीं हुआ है अभी मैंने इसके अलावा भी अभी बहुत सारे काम करने हैं अब ये हो रहा है कि मॉर्निंग पे इतनी जल्दी उठकर कैसे जाया जाएगा ऊपर से हम घर से ही रेडियो पर जाएंगे और फिर कॉलेज जाकर भी बहुत ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह का काम है पता नहीं ये सारी चीज़ें कैसे होने वाली है तो अभी तो मैं किचन पर आई हूँ खाना बनाते हैं मैंने आपको भी बोला था थोड़ी देर पहले कि मैंने सवेरे से कुछ नहीं खाया है बस एक बार खाना खाया है तो नहीं कॉलेज पे थोड़े मोमो भी खाए थे जो दोस्त लाए थे सो मैं फटाफट खाना बनाती हूँ और ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई है और मैंने काफ़ी टाइम बाद मेरा ब्लॉग बना है आज आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा सो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में अगला व्लॉग तो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए बाय बाय।